आज जाहीर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालातून काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांचे नेतृत्व सिद्ध झाले आहे. हा धनशक्तीवरती जनशक्तीचा विजय आहे अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे. आता मोदी लाट ओसरली असून देशात मोदींच्या नेतृत्वाचा प्रभाव जाणवला नाही असे अशोक चव्हाण म्हणाले. काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी मतदान केंद्राबाहेर करडी नजर ठेवल्यामुळे भाजपाला मतदान यंत्रात फेरफार करणं शक्य झालं नाही असा दावा देखील अशोक चव्हाण यांनी केला. हा निकाल म्हणजे धनशक्तीच्या विरोधात जनशक्ती प्रभावी ठरली असंच म्हणावं लागेल. एक विक्रम प्रस्तापित किया है. कांग्रेस वहां पर ये तीनों राज्यों में सरकार बनाने के तकरीबन नजदीक पहुंची है. सिर्फ मध्य प्रदेश के थोड़ा सा अभी अंतिम फैसला आना है, पर हमें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में भी हम सरकार बना पाएंगे. छत्तीसगढ़ राजस्थान की स्थिति तो बहुत स्पष्ट है. हम इस पूरी विक्ट्री का श्रेय जो है वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल जी को देते हैं कि जिनके अथक मेहनत से प्रयास से ये विजय हासिल कांग्रेस पार्टी को हुई है. और भाजपा का बहुत करारा कि वहाँ पर पराभव जो हुआ है, जो भारी वहाँ नुकसान हुआ है, जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के वजह से कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल जी के कोशिशों के जरिए ये हुआ है, ये तो धन शक्ति पर जनशक्ति का विजय है ऐसा मैं कहूंगा तो गलत नहीं है. भाजपा ने बहुत बड़े पैमाने पे मोदी जी की छवि को लेकर पैसे का इस्तेमाल करके और जहां हो सकता है राम मंदिर का भी नाम लेकर वहां पर ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश की, पर ना इस चुनाव में मोदी जी की लहर चली, ना इस चुनाव में ईवीएम की टैंपरिंग को कोई मौका मिला, और ना इस चुनाव में पैसा खर्च करके भी भाजपा का उसका प्रभाव कहीं पर हो सका. इसलिए तीनों एम यहाँ पर नहीं चल सके. और यहाँ पर सही मानों में राहुल जी की मेहनत और कांग्रेस पार्टी के विजय के लिए जो आज के मौजूदा हालात है, जिसको कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से एक्सपोज किया, चाहे वो किसानों का मसला हो, किसानों का आत्महत्या के इश्यू हो, बेरोजगारी की समस्या हो, सांप्रदायिक जो ताकतें बढ़कर कोशिश कर रही थी पूरे देश को हवा देकर अपना स्थान बनाने की कोशिश कर रही थी, वो बातें हो, ये सभी को चीजों को लोगों ने बड़े ध्यान से समझ लिया. और भाजपा सरकार आने से क्या नुकसान इस देश में पिछले 4.5 साल में हुआ है, इसको मध्य ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी को अपना चॉइस उन्होंने सिलेक्ट किया है.